ना अफवाह है ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व किसके द्वारा किए जाने की संभावना। देश 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीनों बाद दो चार होने वाला है। विपक्षी दल सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुनौती देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के बैनर तले एकजुट हो गए हैं। हालांकि इस महागठबंधन के बीच सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है गुट का नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत और एकजुट नेता का चयन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बेहद छोटा मुद्दा बताते हुए कहा कि मुंबई में अगली बैठक के दौरान इस पर ठोस फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीट बंटवारे और अभियान प्रबंधन को लेकर भी वार्ता होगी। अब तक विपक्ष की पटना और बेंगलुरु में दो अहम बैठकें हो चुकी है। दोनों ही बैठकों में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, आपसी समझौते पर सहमति बनी और बीजेपी को हराने के कस्में भी खाई गई। इंडिया का नेतृत्व करने के लिए सबसे बड़े दावेदार कौन? गठबंधन की ताकत, नेता की समर्थन जुटाने के विभिन्न दलों को एक साथ लाने और एनडीए के लिए एक विश्वसनीय विकल्प पेश करने की क्षमता पर निर्भर करती है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस गुट का नेतृत्व करने के लिए सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज शरद पवार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अब एनसीपी में उथल पुथल को देखते हुए शरद पवार द्वारा विपक्षी मोर्चा का नेतृत्व करने की संभावना कम है, जिसमें हाल ही में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के बाहर निकलने का गवाह यह दल बना है। इसके अलावा उम्र एक अन्य कारक है जिसे 80 वर्षीय शरद पवार के लिए नुकसान के रूप में गिना जा सकता है। ममता बनर्जी एक तेज तरार नेता है जिन्होंने अपने 4 दशकों से अधिक लंबे राजनीतिक करियर में कई चीजों को संभव बनाया, लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के विपरीत जिन्होंने 90 के दशक में इसी तरह के गठबंधन का नेतृत्व किया था, टीएमसी सुप्रीमो में देशव्यापी अपील की कमी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दलों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन एनडीए के साथ उनके पिछले जुड़ाव ने संभावित गठबंधन सदस्यों के बीच विश्वास के मुद्दे खड़े कर दिए। कुमार ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी व्यक्त की है जिससे वह शीर्ष पद के लिए एक असंभव उम्मीदवार बन गए हैं। साथ ही संख्या के लिहाज से किसी भी दल यानी एनसीपी, टीएमसी और जेडीयू के पास गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए बहुमत नहीं है, राहुल या सोनिया में से कोई एक। इसलिए स्पॉटलाइट अनिवार्य रूप से गांधी परिवार के दो प्रमुख सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पड़ती है। हालांकि उनमें से किसी एक को चुनने की अपनी चुनौतियां और निहितार्थ है। राहुल गांधी का नेतृत्व अक्सर वंशवादी राजनीति बहस के केंद्र में रहा, जिसे भगवा पार्टी अक्सर कांग्रेस के खिलाफ आरोप के रूप में इस्तेमाल करती है। फिर भी भारत जोड़ो यात्रा और संसद से आयुक्त ठहराए जाने के बाद कमबैक के दौरान उनकी छवि में बदलाव आया। इसके अतिरिक्त उनके अमेरिका दौरे ने एक राजनेता जैसा आचरण प्रदर्शित किया जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ी। यदि राहुल गांधी को विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है तो वह युवाओं और प्रगतिशील मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में काम कर सकता है। दूसरी ओर विपक्षी दलों के बीच सोनिया गांधी एक सम्मानित और भरोसेमंद नेता हैं। पिछले 2 दशकों में उन्होंने भारतीय राजनीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। UPA 1 के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बजाय पार्टी के कल्याण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री पद को अस्वीकार कर दिया। हालांकि उनके इतालवी वंश वाले अतीत में विवाद का मुद्दा रही है और भगवा पार्टी उनकी उम्मीदवारी पर हमला करने के लिए इस मुद्दे को फिर से उठा सकती है। कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है कि इस बार वह नए गठबंधन का नेतृत्व नहीं करना चाहती। खड़गे ने कहा कि उन्हें सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।